अक्टूबर महीने में इतनी भारी बारिश हुई, इतनी ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण जो हमारी फसल तकरीबन नवंबर में जिसकी कटाई होती है अक्टूबर महीने में बिल्कुल तहस नहस होगी। काफ़ी नुकसान हुआ, खड़ी फसल बिल्कुल ज़मीन पर लग गई और उसमें पानी भर गया। हमारी जमा पूंजी जो हमने अपने खेतों में लगा रखी थी, तकरीबन ढाई तीन महीने की फसल थी और अगले महीने कटनी थी, एक महीने पहले बिल्कुल ज़मीन पर लग गई, वो तहस नहस होगी सारी। काफ़ी परेशान हुए हम। एक बार पहले हमारी गेहूं की फसल खराब हुई थी तो उस समय सीएम साहब केजरीवाल जी ने मुआवजा दिया था हमें। अपने मंत्री कैलाश गहलोत जी उनसे मिले, उनको बताया गया भाई देखो हमारी मेहनत तो छोड़ो, जो जमा पूंजी थी उसका भी नुकसान था। केजरीवाल सरकार में बात सुनी जाती है और केजरीवाल जी ऐसे सुनते हैं बात जिसे स्वयं वे किसान हूं। केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों की फसल बर्बाद होने का मुआवजा दिया जाएगा। केजरीवाल जी ने ऐलान किया 2 महीने के अंदर आपको पैसे दिए जाएंगे और जनवरी महीने में कौन आया हमारे पास कि आपको सचिवालय आना है। इससे गौरव की क्या बात होगी, एक साधारण किसानों को सचिवालय में बुला के चेक दिए गए 6 लाख रुपये, हमें मुआवजा दिया गया। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन आती है तो 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा होगा। पहले तो किसानों के साथ मजाक किया जाता था, 5 रुपये का, 1 रुपये का, 17 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का, ऐसे चेक दिए जाते थे। इस सरकार में 4-4 लाख, 4.5-4 लाख, 6-6 लाख का ऐसे मुआवजा दिया गया है जो कि मुझे नहीं लगता आज तक भारत देश में किसी सरकार ने दिया हो। जितना धन्यवाद किया जाए केजरीवाल सरकार का उतना कम। किसान को किसान समझा, किसान को सम्मान मिला और किसान काफ़ी खुश है और मैं कहता हूँ केजरीवाल सरकार के साथ किसान।